खाने में उसको बहुत मजा आता। हर आदमी नहीं झेल पाएगा इसको, जो पक्के चटोरे हैं ना वो चार जाएंगे प्लेट पूरा। हरदयाल मौर्या उर्फ चाट किंग ऑफ इंडिया, कोई भी नाम यूं ही नहीं मिलता और इंडिया के चाट किंग बनने के पीछे इनकी भी एक कहानी है। अंकल आपकी एज क्या होगी? अभी मैं बच्चा हूँ। अभी बच्चे हैं, सही बात है, मुझसे ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि मैं मतलब अपने आप को इतना ज्यादा एक्टिव नहीं फील कर पाता जितना मैं देख रहा हूँ। लखनऊ के हजरतगंज इलाके की फेमस शॉप रॉयल कैफे के ओनर हरदयाल जी अपने बास्केट चाट के लिए मशहूर है, जिसे शुद्ध हिंदी में आप टोकरी चाट भी कह सकते हैं। तो अब बनने वाला है यहाँ पर बास्केट चाट, तैयारी हो रही है जोरों से। पहले मैं बास्केट चाट बनाऊंगा जी। एक आप देखिए, ये बास्केट चाट है, इसके अंदर आलू की डाल दिए, ये पापड़ी डाली है। ओके, जनरली लोग अपनी रेसिपी छुपाते हैं लेकिन नहीं करता हूं यार। लेकिन यहाँ सब जग जाहिर है और सब देख सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं ले आ पाएगा कोई जो अंकल देते हैं। भाई अपना अपना उंगलियों का, बिल्कुल अपने अपने हाथों का जादू होता है। हरदयाल जी ने एक समय एक कस्टमर की कंप्लेन पर पूना की 36 फ्रेंचाइजी एक रात में क्लोज कर दी। वजह थी कि वो टेस्ट फ्रेंचाइजी नहीं दे पा रही थी जो वो अपने हाथों से बना कर देते हैं। कुछ बताएं अंकल अपने बारे में। पहले तो आपको तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए आए, ये मेरे लिए एक गर्व की बात है। नहीं, और मेरे लिए गर्व की बात है कि जनरली बड़ी शॉप्स होती हैं तो लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, बट यहाँ पे इतनी भीड़ होती है फिर भी यहाँ पे समय दिया है आपने। अब हम लोग मिले है जी, वो भी जीते जी मिले कोरोना में, बड़ी बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों जिंदा बैठे। बिल्कुल, बहुत सारे तो डर की टपक गए है, बट अंकल बहुत जिंदा दिल है और मुझे बात करके बहुत खुशी हो रही। कुछ बताएं आपके बारे में, आप पूछोगे तो बताएंगे। यहाँ कब आपने शुरुआत की है? ये बास्केट चाट के मैंने 92 में यहाँ से जन्म लिया था, 1992 में। अच्छा, और मतलब शुरुआत से ही रिस्पांस था या धीरे धीरे? नहीं, धीरे धीरे, कोई भी चीज होती है क्या हाँ कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग चाट बनाना खानदानी पेशा है। अच्छा, और हम 50 साल से चाट बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब से यहाँ से बास्केट चाट लॉन्च किया हाँ तब से समझ लो हम लोग बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा भाई, भाई क्या होता है कि जब तक स्वाद मिलेगा बिल्कुल तभी तक लोग तय के ऊपर खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम नहीं चाहते कि मेरी उंगलियां डगमगाए और लोगों को स्वाद देते रहते और लोग इंजॉय कर ले। हर रोज अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं जी। बिल्कुल, 1 2 3 हम इसे पापड़ी भी तोड़ेंगे। आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, काफी सारा ही एक बास्केट में लोड जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुम महाराज आदमी निकले जो खत्म कर दिए। एक बास्केट चाट, ये हाथ मोला, इसको छोड़ना नहीं कोई है। हाथ मोला चटनी है और इसको आप साथ में ले, बहुत टेस्ट लगे। ये बास्केट रेडी है आपके सामने। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी हैवी सी और काफ़ी कुछ इसमें डला हुआ है। बास्केट है जिसमें कि पापड़ी है, दही है, चटनी है, अनारदाना है और
नमकीन है, धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके लिए बहुत ही भरपूर होगा। लास्ट टाइम भी मैं खाया था तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी और इस बार भी टेस्ट तो किया ही है मैंने, बहुत ही अमेजिंग है और मतलब इसको ज़रूर टेस्ट करें। मैं जब यहाँ पे आया था लास्ट टाइम तो सर्च नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम था ये प्लेस कैसी है, बट इस बार सर्च करके आया तो ऑलरेडी इस जगह का नाम था और बहुत ही टेस्टी आपको लगेगा, ज़रूर आएँ आप। मैं भी यहाँ पे बास्केट चाट खाया और उसमें हर स्पून के साथ अलग अलग मुझे टेस्ट आया। कभी मैं उसको पापड़ी के साथ मिक्स करके खाया, कभी बास्केट के साथ खाया, कभी सेव के साथ खाया, कभी उसमें आलू थी उससे खाया, कभी उसमें टिक्की थी उससे खाया, कभी हाजमोला चटनी थी उससे खाया। तो हर बाइट में आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा और वर्थफुल भी है आपके लिए। एक अगर आप लेते हैं तो उसमें दो निपटा सकते हैं, लोटे लगे, चार लोग लगते हैं। हाँ, चार लोग भी लग जाते हैं। मैंने अकेले पूरा का पूरा, लास्ट टाइम भी मैं आया था तो लास्ट टाइम भी मैं अकेले पूरा खत्म किया था, इस बार भी मैंने पूरा किया है और आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और भी क्या क्या चीजें देखिए, उसके साथ साथ हमारे पास पालक कुरकुरी है, अच्छा नींबू मटर है, दही भल्ला है और भल्ला पापड़ी है, छोले टिक्की है, पुदीना टिक्की है, आलू टिक्की है, चटनी टिक्की है, अच्छा। कभी उसमें भी वैरायटियां हैं, अच्छा, क्योंकि होता है कभी कभी लोग दही नहीं पसंद करते, हाँ। तो नॉर्मल है, चटपटा है, स्पाइसी है, बिल्कुल बिल्कुल। सीजन चालू होता है तो हम पुदीना टिक्की बना देते हैं, कभी छोला टिक्की बनाते हैं, कभी चटनी टिक्की बनाते हैं कि चटनी और नींबू से लोग पसंद करते हैं, अच्छा। तो उनकी च्वाइस के हिसाब से हम चलते हैं। पहले हमारी च्वाइस चलती थी सिर्फ बास्केट चाट, अब भाई बच्चे आ गए उनकी च्वाइस के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे समय के साथ अपडेट भी किया है, टेस्ट में भी थोड़े थोड़े चेंज लाते रहे हैं जिससे लोगों का भी मन बना रहे। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं लेकिन हरदयाल जी खुद आपको चाट बनाते और सर्व करते हुए दिख जाएंगे। रॉयल कैफे की बास्केट चाट ने सेलिब्रिटीज को भी अपना दीवाना बना रखा है और समय समय पर यहाँ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही रहता है। इसके बाद चाट नहीं बने, चाट का जन्म यहाँ शुरू होगा, ये भी कर देते हैं, वो भी आप देखो लाबड़ा। ये खाओगे ना जी पूरा लीक कर जाएगी नस नस दोस्त। बास्केट एक है, हाँ बेटा दे रहे हैं, एक मिनट चलो। ये देखो आने में इसको बहुत मजा आता, हर आदमी नहीं झेल पाएगा इसको, जो पक्के चटोरे हैं ना वो चार जाएंगे प्लेट पूरा। काफी स्पाइसी लग रहा है देख के, है नहीं स्पाइसी, अच्छा है लेकिन है नहीं, अच्छा आप टेस्ट कराएंगे भी। आप इसको टेस्ट करना है आपको, ठीक है बिल्कुल। तो देखने में ये भी काफी लुक वाइज बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, टेस्ट करता हूँ मैं कैसा है, मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। अमेजिंग है ये भी, क्या चीज़ है, स्पाइसी देखने में लग रहा था, सच में स्पाइसी नहीं है लेकिन पूरा खत्म कर डालूंगा। इस पर जो धनिया ऊपर से डाला गया है इसका नाम कचालू है, चाट का जन्म जो यही से शुरू हुआ। कचालू है, घर में भी हम लोग के बनता है लेकिन इसका टेस्ट कुछ और ही है। आप यहाँ अंदर भी आके फूड्स वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, सब तरह के फूड्स भी मिलेंगे। बहुत सारे एक्टर आते हैं तो उनको खड़े खड़े में दिक्कत होती, एक तो हमारे साथ सेल्फी फिर उनके साथ सेल्फी तो डिस्टर्ब हो। मैंने कई सारे एक्टर्स की पिक्स वगैरह देखी है, दीपिका पादुकोण की देखी है और भी बहुत सारे अभी देखिए, नाम बताइए। अरे नाम बताएंगे तो कोई बचे ही नहीं, फिर भी अभी अनन्या पांडे आए थे, साहिल खान आए, अच्छा है ना, आरती सिंह आई, सब लोग आते रहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि सेलिब्रिटीज आते रहते हैं। वो जब भी आते हैं लखनऊ तो तुरंत पहले मेरे पास आते हैं, बिल्कुल
तो अंकल भी, अंकल उनसे भी मिलते हैं और मुझसे भी मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व, दिल से एकदम अच्छा लगता है। तो अंकल थैंक यू सो मच, और जरूर आप भी यहाँ पे आए और टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद आप अपना रिव्यू दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे कैसा लगा, मजा आए तभी बोलने का। हाँ बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप खुद ही बोलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कहते कि नहीं आप यहाँ पाओ। जी जी, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे लोग एक मारते रहते यार, आपके उंगलियों में जादू है। जी, मैं नहीं मानता मेरी उंगलियों में जादू, हम कहते तुम्हारे पैरों में जादू है। बिल्कुल, जो चल के आप जाते हैं बिल्कुल, तो हम नहीं विश्वास करते। जब आप यहाँ से गुजर रहे हैं और आपका मन ललचा गया कि चलो यार खा ही लेते हैं, तो वो बात होती है। अब जादू तुम्हारे पैरों में है, मेरी उंगलियों में, ये कंफर्म नहीं हो सका अभी तक, लेकिन है जादू। जी जी बिल्कुल, तो बहुत थैंक यू अंकल, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, जरूर आइए आप, और एक बार हमारे लखनऊ में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।